रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड पोटेंशियल। हमने दो चीजें की, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया वेक्टर फॉर्म में और एक हमने पोटेंशियल किया। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको एक बार हमने डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट ई वेक्टर और एक चार्ज पड़ा हुआ है इसमें क्यू, तो फोर्स की वैल्यू इस पर क्या लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कहां करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये बताओ कि वर्क डन किसने किया, मैंने किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया, चार्ज को दूर भेजने में इलेक्ट्रोस्टैटिक ने, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू ई, और वो फोर्स लेके चार्ज पार्टिकल अपने आप ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहा है, तो फोर्स किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ई वेक्टर, क्यू को इसके नीचे ले आओ, ये क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उससे ये पूछो कि ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, नहीं ये नहीं है डेफिनेशन। आप कहोगे वो क्यों, लास्ट टाइम की तो थी, इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूज करते हैं उसमें जो वर्क डन लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल वर्क डन होता है, तो वर्क डन एक्सटर्नल बाय चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पर यहां पर वर्क डन कौन सा निकल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन में क्या फर्क है, माइनस का फर्क है, तो यहां पर रिप्लेस करके क्या किया, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक्सटर्नल, तो माइनस साइन राइट पे चला गया। अब वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक्सटर्नल का, हाँ इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इन्हें क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो टोटल वर्क डन बाय चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर। तो ये डेफिनेशन नोट करें फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, अभी नोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का पहला फॉर्मूला, वर्क डन एक्सटर्नल बाय चार्ज, वेयर चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख रहे हैं, या माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर वन वेक्टर टू आर टू वेक्टर, दूसरा मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, और तीसरा मेथड क्या है, वी टू माइनस वी वन। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के। एक और चीज का मुझे प्लीज आंसर दें इसमें, कि जैसे ये आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर है, बस ये बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो मैं चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इन्फिनिटी के केस में आर वन वेक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, और कहाँ पे ला रहा हूँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे लेके आ रहा हूँ, तो आर वेक्टर पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं चार्ज को कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही रूल है ना, फाइनल इनिशियल, और यहां पर लिमिट में क्या यूज करते हैं, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, यही रूल है। तो इनिशियली डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी, और फाइनली क्या है, आर, फाइनल पोटेंशियल वी टू, इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी, अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं आर डिस्टेंस पे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, उसको पोटेंशियल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पोटेंशियल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जीरो। तो डेफिनेशन बन जाती है ये, इन्फिनिटी से आर माइनस ई डॉट डी आर में अगर इन्फिनिटी से आर है तो वो टर्म क्या कहलाएगी, पोटेंशियल, और अगर आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर तो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में एक तो ये नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करो पोटेंशियल डिफरेंस का, फ्रॉम आर वन वेक्टर से आर टू वेक्टर, और दूसरा ये फॉर्मूला नोट करो, वी फॉर पोटेंशियल, वी फॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर।
ये दो फॉर्मूलास पर नोट करो प्लीज।